आज खुशी की बात है, मैं दोस्त देवा को साथ मनमावरी जंगल में शिकार खेल रहे थे। नाना निवासी शिवा इंद्र का भाई छोटा का हरा, उन्होंने गाली देते जा रहा था कि संसार में छत्री नहीं है, सबको सब मर गया। मैंने आवाज सुना, आगे से घेर लिया, पूछ बैठा, भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहा मैं नैना के रहने वाला हूँ, शिवा इंद्र का भाई हूँ, एक मेरी बहन कुमारी है, मैं तिलक लेकर एक आमलो किला में घूम गया, नैना को घर से कोई नहीं तिलक उठा सका। मैंने सोचा मेरा साथ में एक बड़े भाई है, एक मेरी माँ है, कारण मेरी माँ खाना बनाने में शक्ति नहीं है, बूढ़ी हो गई, इसलिए तुम चलो मेरा भैया जी पर तिलक चढ़ा देना। भैया हो जाए छोड़िए, जो नाना का प्रण होगा मैं पूरा करूंगा। रमेश समझ गया तो सारी काम पूरा कर देगा, लेकिन मैं प्रण सुनने के लिए चाहता हूँ। भैया देवा, जो नाना का प्रण है बड़े भैया आलास को सुना दो। सुनिए महाराज, जब दोनों जोड़ी जंगल में उपस्थित थे, संग्राम हुआ, जब वो परास्त हो गया, फिर उसने कहा कि मुझे परास्त कर दिया, मेरा नैना का पर सुनो। उसने कहा ए अंबर से पटना से लाए पटचीर नरकटी का,
तेल में स्नान करने पड़ेगा। ये बताओ भाई, तू जिंदा रह सकता है? ऐसा तो कभी भी जिंदा नहीं रह सकता ला महाराज। तब मैं शादी उदल वापस तीरक तुम्हें भेजो। मैं शादी मैं नैना में मैं नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। भैंस का पर उदल कहीं से डाका डाल कर लाता है। मेरी माँ बुढ़ी हो गई है, खाना बना देती है, एक थाली खाकर जाकर गादी पर गाल फुला कर बैठ जाता है। अभी कह रहा है शादी नहीं करूंगा, वापस तीरक भेज दो। भैया तीरक भेजूंगा वापस, दुनिया वालों सुनेगा वो उदला ये मुझ के क्या। सारी परम जो है मैं पूरा करूंगा, आप तैयार हो जाइए। कोई दूसरे किला में कन्या खोजो, मैं स्वयं दुल्हा बन करके जाऊंगा, लेकिन राज नैना में मैं नहीं। देवा सुना है महाराज, एक बार मैं भी समझाता।